कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, पानी, बिजली और भ्रष्टाचार छोड़िए, आजकल यूपी की सियासत में एक और मुद्दा छाया हुआ है, वो है सांड समाचार। दरअसल सपा मुखिया और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव सांड के जरिए लगातार सूबे की योगी सरकार को घेरने में लगे हैं। उन्होंने अपने एक और लेटेस्ट ट्वीट में सांड का वीडियो पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा, आज के विशेष सांड समाचार का आजमगढ़ प्रकरण। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो सांड आपस में लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते एक सांड तो एक कार पर ही चढ़ गया, उसके बाद खुद तो लड़खड़ा कर गिरा ही, कार के साइड वाला शीशा भी तोड़ दिया। इस दौरान जो भी लोग सड़क पर थे, एक पल के लिए सभी सहम गए, कहीं अगला नंबर उन्हीं का तो नहीं। सांडों की लड़ाई से हुई नुकसान का ये वीडियो आजमगढ़ जिले का बताया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश ने सांड को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया हो। बीती 1 अगस्त को भी अखिलेश ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि आज के सांड समाचार का कौशाम्बी प्रकरण। सांड की लड़ाई का ये वीडियो कौशाम्बी जिले का है, जिसे आवारा सांड की लड़ाई की चपेट में दो बाइक सवार आकर गिर जाते हैं। वहीं सांड के हमले से पास से गुजर रहा एक ई रिक्शा चालक बाल बाल बचा। अखिलेश यादव ने 29 जुलाई को सांड समाचार सुनाते हुए बीजेपी को लपेटे में ले लिया था। अपने इस ट्वीट में एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि आज का सांड समाचार, सांड से जान बचाने के लिए किसान पेड़ पर 2 घंटे तक चढ़ा रहा। आज का सांड विचार, उत्तर प्रदेश में अब एक सांड रक्षा पुलिस भी बनानी चाहिए। वहीं 28 जुलाई के अपने ट्वीट में भी अखिलेश ने सांड का जिक्र किया और बीजेपी को लेकर कहा कि गोरखपुर में सांड के हमले में हुई मौत का जिम्मेदार कौन है। सांड को लेकर भाजपा सरकार का रवैया बेहद दिखावटी है, जो आम जनता के लिए मौत का कारण बन रहा है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बल्कि उनके पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सांड के हमले को लेकर लगातार ट्विटर बम फेंके जा रहे हैं। अगस्त में सपा ने ट्वीट कर संभल में सांड के हमले से किसान की मौत का मुद्दा उठाया। बहरहाल यूपी में आवारा सांड को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव का सांड समाचार के जरिए लगातार बीजेपी सरकार को निशाने पर लेना कहीं न कहीं ये बता रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आवारा सांड का मुद्दा भी हावी होगा। खैर, देखना तो ये है कि क्या ये सांड समाचार सपा की नैया पार लगाएगा।